सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल भंडारी जी। मैं हूं आपका साइक्लिस्ट फ्रेंड नीरज भंडारी और अभी है हमाल देवता में, मेरे साथ है मिस्टर लक्ष्य। एक टाइम पे मेरा पर्सनल जिम ट्रेनर हुआ करता था अभी मैं जिम नहीं कर रहा था, मेरा पर्सनल ट्रेनर भी नहीं है। तो यार हमारा प्लान तो ये था कि हम सल्फर पॉन्ड जाएंगे, मतलब मैंने कल रात को एक स्टोरी डाली कि कोई सल्फर पॉन्ड जाना चाहता है मेरे साथ, तो सबसे पहले इसका ही रिप्लाई आया। उसको मैंने बोला चलते, पर मेरे स्टेमिना को देखते हुए और ये साइकिलिंग इतनी नहीं करता है, उसको मद्देनजर रखते हुए और गर्मी को नजर में रखते हुए हमने कहा सल्फर पॉन्ड रहने देते, आज कहीं और चलते कुछ। और गाइस फाइनली सनराइज हो गया और अब मैं गोप्रो में आ गया क्योंकि मैंने गोप्रो में एनडी फिल्टर लगाया था। मतलब धूप होती तभी इसमें अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस आता है। और गाइस आपको हैंडल कुछ अलग दिख रहा होगा, आज मैं थोड़ी बढ़िया साइकिल चला रहा हूँ। आगे अच्छी सी जगह में जाकर आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी साइकिल चला रहा हूँ। और ये पहुंची अपने बाइक क्राफ्ट में जो कि आज बंद है बिकॉज ट्यूजडे और ट्यूजडे को हमारा स्टोर रहता है क्लोज। गाइस मुझे ना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, जब मैं साइकिल में फोर्स मार रहा हूँ ना तो मेरे राइट घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। राइट जा रही है द्वारा के लिए, अपन लोग जाएंगे यहाँ से ऊपर क्योंकि अभी यहाँ पे मस्त रोड बन गई, पहले इतनी खराब रोड थी और अब यहाँ पे लक्ष्य की वाट लगनी शुरू होगी क्योंकि अब असली चढ़ाई स्टार्ट होगी। ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत है। तो जी पहला ब्रेक ले लिया, इतने टाइम बाद साइकिलिंग कर रहे हैं तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। लक्ष्य तो काफी कुछ ज्यादा टाइम बाद साइकिल चला रहा है, इसको भी मैंने अपनी साइकिल दी ओमो वाली। और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ कितना जबरदस्त है, ये मालदेवता का सबसे प्यारा व्यू पॉइंट है, बहुत लोग यहाँ पे रुकते हैं साइकिलिस्ट। ये देखो भाई इतना सुंदर है ना, इतना जबरदस्त। अभी तो धूप नहीं आया, कभी धूप आती रहे तो जितने भी खेत ना इतने बढ़िया चमकते हैं। ये देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाली रोड जो है ये जा रही है धनौल्टी के लिए, हम लोग यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे, दो पहाड़ों के बीच वाला पहाड़ दिख रहा है इस साइड जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नदियों में पानी है। देखते कोई अच्छी लोकेशन मिली तो डुबकी लगा लेंगे, फिर वहाँ से वापस घर आ जाएंगे। जब सल्फर पॉन्ड नहीं गए क्योंकि हमारी वाट लग जाती है भाई, मेरे तो घुटने में पेन हो रहा है, मुझे दिखाना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ जाऊँगा अपना घुटना दिखाने। ऑलराइट दोस्तों, ऑलराइट ऑलराइट, हम लोग यहाँ से पूरा ऑफ रोड करते हुए जाएंगे, बट उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले रहे, चाय वगैरह कुछ पीते हैं। अरे यार मैंने सीट नीचे नहीं करी। यो तुम मत आइयो, तुम मत आइयो। मैं तो आ गया फुल सस्पेंशन बाइक पर, बहुत स्टीप है। ये देखो गाइस अभी मौसम चल रहा है बढ़िया, अभी सारे जितने भी कलर वाले पत्ते खिल के आ रहे हैं। देख तो जी अब हम साइकिल को लेके आ गए हैं ऑफ रोड में और अभी तक मैंने आपको दिखाई नहीं कौन सी साइकिल है, आगे जाके दिखाता हूँ। एक और ब्रेक लेंगे, वहाँ पे दिखाऊंगा आपको साइकिल कौन सी है। मुझे लगा था बहुत तेज धूप होगी, मैं सनस्क्रीन सुबह सुबह लगा के निकल गया हूं। और अभी मेरे फेस में इतनी गर्मी हो रही है और अभी तक धूप नहीं निकली, मतलब धूप तो निकल चुकी है पर ये कि पहाड़ यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे ना, सूरज इस पहाड़ के पीछे, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर लगेगी चटक धूप। और मैं तो सोच रहा था मैं गैस चूल्हा वगैरह लेके आऊँ, मैगी वगैरह बनाएंगे, बट मैंने कहा छोड़ो अगली बार, आज तो साइकिलिंग प्रैक्टिस कर लेता हूँ, बहुत दिन से साइकिलिंग नहीं करी। अब घुटने में इतना तेज दर्द हो रहा है, इतना तेज रिकमेंड कर रहा है देहरादून में घुटना वगैरह, मैं कहाँ पे दिखाऊँ अपना, क्योंकि जैसे मैं प्रेशर लगा रहा हूँ ना साइकिल में मेरा घुटना बहुत दर्द कर रहा है और मैं नहीं चाहता इंजरी आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़े। तो यार देहरादून से जो होंगे उनको पता होगा पीछे वाला इंस्टीट्यूट अभी जो बाढ़ आई थी ना उसमें पूरा बह गया था, मतलब जो अभी नदी दिख रही थी चौड़ी नहीं थी, जब बाढ़ आई थी इसकी वजह से इतनी चौड़ी हो गई और अभी फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। अब आई डोंट नो यहाँ पे क्या बन रहा है, जो भी आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है ना इंस्टीट्यूट का, डिफेंस अकेडमी का, ये पूरा बह गया था तो अब दोबारा ये रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो आज का हमारा प्लान है कि बढ़िया सी कोई जगह ढूंढे जहाँ पे इतना पानी हो कि वहाँ पे हम डाइव लगा सके और तैर सके। तो यहाँ पे तो हमें काफी पानी दिख गया है बट इतना नहीं दिखा, मतलब एक तो धूप भी नहीं है यहाँ पे, दूसरा इतना गहरा नहीं कि हम यहाँ पे स्विमिंग कर सके। देखो यहाँ पे इतना मस्त है भाई, पहले इतनी चौड़ी थी नहीं नदी, अब बाढ़ के बाद ये जितनी होगी सड़क दिख रही ना, सड़क भी पहले चौड़ी थी, ये सड़क भी पूरी लैंडस्लाइड में चली गई थी। आपको लेफ्ट साइड में देखो ये लैंडस्लाइड्स हो रही है, पहले ये सब कुछ था नहीं। ये देखो इतना भयंकर पहाड़ कटा है कि पूरे यहाँ पे पत्थर नजर आने लग गए हैं। इस कैफे का नाम है कसौल कैफे, नया नया खुला था, बहुत अच्छा चलता था और इसकी हालत देखो बाप रे, अभी भी ऐसा पूरा मतलब डैमेज पड़ा हुआ है। और जिस दिन बाढ़ आई थी मैं उस दिन यहाँ पे आया था तो इनका फ्रिज वगैरह सामान पूरा नीचे बिखरा हुआ था और इन्होंने कमेंट भी किया था मेरी वीडियो में कि गाइस हमने नया नया बनाया था अच्छा चल रहा था पर ये बाढ़ वगैरह आ गई। अभी यहाँ पे तो नहीं बनाएंगे बट कहीं ना कहीं तो खोलेंगे ही। दोस्तों अभी मैं जहाँ साइकिल चला रहा हूँ ये पूरी नदी है, पर जब यहाँ पर बाढ़ आई थी ना उससे पहले यहाँ पर पूरे हरे हरे खेत थे, पूरे यहाँ तक पूरा बह गया और यहाँ पे पुल हुआ करता था जिसको पार करके हम उधर झरने में जाते थे, कुछ रहा नहीं गया। तो जी इस स्विमिंग स्पॉट की खोज करने से पहले हमें इतने सारे छोटे छोटे प्यारी प्यारी लोकेशन मिल गई ना, ये देखो कितनी मस्त जगह है, हालांकि तैरने लायक नहीं है पर ये कि आधी बॉडी डुबाने के लिए और यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ तैर रही भाई, लगता बहुत मन तो ये कर रहा है यहाँ पे कुछ है बट हम लोग स्विमिंग करने के पर्पज से आ रही है। तो तब तक मैं आपको अपनी आज की राइड दिखाता हूँ। तो भैया ये है मरीन रिफ्ट जोन 1 फुल सस्पेंशन बाइक जो कि मैंने अपने साइकिल स्टोर से बेची थी अराउंड 4-5 महीने पहले। तो ये साइकिल जो है ये मेरे पास फॉर सेल आ रखी है, इसका जो MRP है वो है 1,55,000 पर इसको मैं बेच रहा हूँ सिर्फ 90,000 में। तो अगर आप ये बाइक परचेस करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में बता दो, हालांकि इसको आज ही 2-3 लोग देख रहे हैं, मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी टिक पाएगी क्योंकि ये बहुत ही सही रेट में बेच रहा हूँ, इसमें कंडीशन एकदम एक्सीलेंट है, कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है। इसको बेचने का रीजन ये है कि जिस बंदे ने ली थी वो इससे महंगी बाइक लेना चाह रहा है इससे इसको बेच रहा है। यह है मरीन की रिफ्ट जोन 1 फुल सस्पेंशन बाइक है और भाई मतलब मेरा बजट होता तो मैं ले चुका होता इसे, पर मेरा बजट इतना है नहीं क्योंकि ट्रेल्स और जंप्स के लिए परफेक्ट बाइक है और इस रेंज में बेच रहा हूँ इसे मैं 90,000 में, बेस्ट बाइक है। जिसका बजट है अभी लेने का तो भाई मुझे या तो मुझे कॉमेंट करके बता दो या तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना। और ये भी मेरी बाइक है भंडारी जी बाइक, इस पर तो मेरा नाम लिखा था, चोरी भी नहीं होगी। अरे सुनो
उस वो होगी मरलिन परलिन, ठीक है। इस पे ये है भंडारी जी, हो गई है प्राइस, 2 लाख प्राइसलेस बाइक है। अबे यार प्राइसलेस बोल रहा, मैं 2 लाख बोल रहा, अरे मचा रही तने भाई। धूप इतनी चटक हो गई ना, पर अभी 8:30 बज रहे हैं, मैं 9 बजे तक की धूप में ले सकता हूँ। वैसे आप लोगों को भी ये होना है कि सुबह सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक की धूप जो होती है वो भैया अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, विटामिन डी होता है, और जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटामिन है जो हमको लेना चाहिए। 9 बजे के बाद बंडाना लगाना शुरू हो जाएगा मुंह पे और सनस्क्रीन लगाना शुरू हो जाएगा। एक स्विमिंग स्पॉट तो सामने ही मुझे दिख रहा है, पर मैं यहाँ नहीं जाना चाहता, मैं और आगे जाना चाहता हूँ। इस बार मेरी साइकिलिंग भी जाएगी और एक बढ़िया स्विमिंग स्पॉट मिल जाएगा। तो यार अभी हम लोग आ गए हैं टापूसेरा गाँव में, और यहाँ पे हमने MTB मालती रेस कराई थी। बट मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, हमारी रेस यहाँ से होते हुए यहाँ से गई थी, यहाँ से और यहाँ से लोग ऊपर गए थे, पर अभी यहाँ पे पता नहीं इतने सारे पत्थर आ गए कि पता नहीं चल रहा है यहाँ पे हमारी रेस कैसे हुई थी। यहाँ से हमने पूरा रास्ता बनाया था हाथों से खोद खोद के ऊपर तक, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बार MTV मालदीव तक जो हम कराएंगे उसका रूट कुछ अलग ही होगा। लक्ष्य की तो ये हालत खराब हो गई। अच्छा वैसे मैं सल्फर पॉन्ड लेके नहीं गया, कल मैंने इससे इंस्टाग्राम में बोला भी, भाई तो चला पाएगा सल्फर पॉन्ड जाएंगे, कह रहा आराम से खींच लूंगा। यही वाट लग गई है देखो भाई, मेरी भी वाट लग जाती है अगर मैं भी सल्फर पॉन्ड जाता ना। कोई नहीं, धीरे धीरे चलो, यहाँ तक चढ़ाइए उसका पूरी ढाल है। मर जाऊंगा पर पैदल नहीं चलूंगा, या तो रुक जाऊंगा। नवरात्र खत्म हो गए ना, इसको पकड़ लेता हूँ। फाइनली चढ़ाई खत्म और लक्ष्य को थोड़ी शांति मिलेगी। शांति तो खैर मुझे भी मिलेगी, घुटना इतना दर्द कर रहा है। अक्टूबर में गाइस मुझे आसाम जाना है साइकिल पे, तो उससे पहले पहले मेरे घुटने में कोई दिक्कत ना हो मैं तो ये चाहूँगा। तो भैया आसाम वाले जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैंने स्टोरी लगाई थी कि आसाम कब आना, तो आसाम वालों ने कहा था कि सबसे अच्छा टाइम शायद सितंबर अक्टूबर में रहता है, तो शायद तभी आऊँगा। भाई साहब क्या ही लोकेशन है, देहरादून से बाहर रहने वालों देखो देखो ये देखो। तो यार लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैं हिमाचल गया था ना, तो उससे पहले यहाँ पे एक स्विमिंग स्पॉट था जो था वहाँ एकदम बीचों बीच, इतना मस्त था, इतना प्यारा था, डाइव मरने लाइक था, पर बाढ़ आ गई ना तो वो खराब हो गया। बट हमें कुछ स्विमिंग स्पॉट वहाँ पे दिखे हैं, कुछ वहाँ पे दिखे हैं, पर वो वाला मुझे इतना बड़ा नहीं लग रहा, तो इस पहाड़ के पीछे थोड़ा सा 1 किलोमीटर और स्ट्रेच मारते हैं, वहाँ पे कुछ स्विमिंग स्पॉट दिखे तो ठीक है, वरना यहाँ नीचे जाएंगे। वैसे तो गाइस हम यहाँ से नीचे भी आ सकते हैं तैरने के लिए, बट यार यहाँ पे धूप नहीं आ रही तो ठंडा बहुत लगेगा, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ठंडा है। एक तो पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे हैं यहाँ पे कि धूप तो आ चुकी है पर वही है यहाँ पे नहीं आ रही। तो यार लक्ष्य का तो थक लगी, वो तो कह रहा पीछे वाले स्पॉट पे चलते, मैंने कहा मैं आगे से देख के आता हूँ, तो मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, कुछ होगा तो ठीक वरना ऐसे वापस चल जाऊंगा। यार मैं काफी आगे आ गया हूँ, नीचे स्पॉट्स तो हैं पर वो जैसे पीछे हैं वैसे ही हैं, और मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छे स्पॉट मिल जाएंगे, पर लक्ष्य थक जाएगा इतना आते आते। ऑलरेडी मैं काफी आगे आ गया हूँ, तो चलो उसको खुशखबरी देता हूँ, लक्ष्य यहाँ से वापस मुड़ जाए। भाई ऑफ रोड में तो ऐसे भाग रही ना, इतनी प्यारी लगी नहीं रखी, मैं साइकिल में ऐसा लग रहा मैं उड़ रहा हूँ, इतने प्यारे शॉकर है इसके, इतने प्यारे सस्पेंशन है। तो यार वापस आ गए हम लोग नीचे जा रहे हैं, और यहाँ से हमको वहाँ नीचे जाना दिखा, वहाँ यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग साइकिल लेके नीचे जा रहे हैं, फिर वहीं खड़ी कर देंगे, वैसे तो मैं जाना उस साइड है। तो जी इस क्रेजी लोकेशन के रेडी रही है, 3, 2, 1 भाई कह रही है तो, अरे भाई लेट्स गो, साइकिल हमने वहां खड़ी कर दी है। भाई साहब बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, द रीजन इज कि यहाँ पे धूप नहीं आती ना जल्दी, तो पानी बहुत ठंडा है, थोड़ी देर में धूप आ जाएगी तो थोड़ा सा हल्का हल्का गर्म लगने लगेगा, पर भाई मस्त है यार मस्त है। पर अगर वीडियो देख रहे हो और आपको लोकेशन अगर पता चल गई तो छोटी हाइट वाले यहाँ पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गहरा हो सकता है। अरे तो हो गया, ठंड से मर गए हम, अब धूप सेक रहे हैं क्योंकि बाल गीले हैं, घर जाते थकान लग जाएगी। यहाँ पे थोड़ी देर बच्चों ने हमें ज्वाइन किया, यहीं के लोग हैं, इसको देखो भाई वहाँ ऊपर से कूद रहा, वीडियो में तो छोटा लग रहा था पर रियल लाइफ में बहुत। अरे 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 भाई साहब, ये देखो भंडारी जी, भंडारी जी चढ़ चुके हैं एकदम कोने पे, और ये
सिम्बा। तो जी आज का सारा फन हो गया भैया, मेरी हिम्मत नहीं पानी में जाने की। और टाइम फॉर ब्यूटी केयर जो कि स्पॉन्सर्ड है लक्ष्य की तरफ से, लक्ष्य की गर्लफ्रेंड की तरफ से। ये है पता नहीं क्या डे क्रीम, ये देखो गाइस पहले मॉइस्चराइज करेंगे महंगा वाला। तो जी हम सही टाइम पे पैक हो गए यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे यहाँ गाँव वाले इतने सारे बच्चे आ गए यहाँ पे, बढ़िया लोग एकदम मस्त मजे कर रहे हैं अभी जिंदगी के। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ओ तो जी फाइनली कच्ची रोड पार करके पहले पहुंच चुके माल लेता। भाई इतनी खतरनाक गर्मी, इतनी खतरनाक गर्मी है, शुक्र है भगवान का और भंडारी जी तेरा खुद का कि तू आज सल्फर पॉन्ड नहीं गया। कसम से अभी सल्फर पॉन्ड में पहुंच रहा होता लिटरली इस टाइम पे, और फिर कब घर आता, वाट लग जाती है सीरियसली भाई। तो मेरे को एक चीज़ तो पता है, मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना मुझे अच्छे से आता है, देखा होगा मैं ट्रेल वीडियोस में भी, वहाँ पे ट्रेल नहीं करता जहाँ मुझे पता है कि मैं गिरने वाला। तो आज मुझे लग ही रहा था कि कल रात को मैंने पूरा मन बना लिया था कि मैं सल्फर पॉन्ड जाऊँगा, बट फिर सुबह सोचा कि नहीं यार अभी हालत ऐसी नहीं, घुटने में भी दर्द हो रहा है और इतने टाइम से प्रैक्टिस भी नहीं है, तो सोचा छोड़ो अभी प्रैक्टिस करते हैं एक आधे दिन साइकिलिंग की तब जाएंगे। और गाइज अगर मेरे घुटने में कोई इशू हो रहा होगा और मैं थोड़े रिकवरी लूँगा तो बट आई हैव डिसाइडेड कि मेरे फ्रेंड में एक्सपल्स है, तो क्यों ना सल्फर पॉन्ड एक बार यू नो मोटर ब्लॉक किया जाए फुल ऑफ रोडिंग वगैरह, क्या बोलते हो कमेंट सेक्शन बता देना, क्योंकि मैं साइकिल में 4-5 बार मैंने वीडियो बना रखे सल्फर पॉन्ड के, तो एक बार सोच रहा हूँ मोटर ब्लॉक करूँ, क्या बोलते हो गाइस कमेंट में बता दो मुझे। ऑलराइट जी अभी हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया बिकॉज थोड़ा सा हमें शुगर की जरूरत थी एनर्जी के लिए। वैसे गन्ने का जूस पीना नहीं चाहिए, आपको लगता होगा गन्ने का जूस बहुत हेल्दी होता है, बट नहीं, गन्ने का जूस तब पियो जब आपको एनर्जी चाहिए होती है ना, तो अभी हमको एनर्जी की जरूरत है इसलिए हमने गन्ने का जूस पिया, वो भी सिप सिप करके पीना चाहिए, अगर आप एक बार में पी लो तो आपका शुगर लेवल स्पाइक हो सकता है राइट। तो यू नो बहुत चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम हेल्दी समझते बट नहीं होती, जैसे हम इंडियन फूड जो हमारा होता है जो हम घर का खाना खाते हैं, हम रोटी सब्जी खाते हैं फिर दिन में चावल फिर रात को रोटी सब्जी, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड व्हाट कार्बोहाइड्रेट डज इज दैट कि वो हमारे बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारे माता पिता को आपने सुना होगा डायबिटीज़ होगी, जबकि कुछ खाते नहीं इतना मीठा बाहर का राइट। तो इसलिए हमारी इंडियन थाली यू नो थोड़ी सी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है, हाँ तब सही है अगर आप उसको प्रोटीन से लाइक मिनिमाइज़ कर दो, प्रोटीन साथ में लो आप, आपका विटामिन आपके सही से जा रहे हैं नो, कैल्शियम सही से जा रहा है, तो ये सब्जी न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो इसलिए जैसे भी शुगर केन जूस पीना था मुझे एनर्जी के लिए तो मैंने पी लिया। तो बस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, सो गाइस एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल भंडारी जी, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर फन एंड मोर एडवेंचर्स। बाकी जिसको ये साइकिल लेनी है आई एम सेलिंग इट फॉर ओनली 90,000 MRP, 1,55,000, मॉडल का नाम है मरीन रिफ्ट जोन 129, इसका व्हील साइज है, कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम में DM कर देना। बाय बाय।